आज का अपना डिस्कशन का टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। देखो, फीटल स्टेज में सर्कुलेशन होता है और बर्थ के बाद के सर्कुलेशन होता है, उसमें डिफरेंस क्या है? तो फीटल स्टेज में क्या होता है कि अपने लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं। अब लंग्स फंक्शनल नहीं होता क्या हो गया, जो अपने डी ऑक्सीजनेट ब्लड है उसे ऑक्सीजन ब्लड में कौन चेंज करेगा? तो ऐसी कंडीशन क्या होता है कि मदर के पास से अपने ऑक्सीजन ब्लड आता है, जिसे अम्बिलिकल वेन लेके आते हैं और अम्बिलिकल आरटी उस डी ऑक्सीजनेट ब्लड को वापस मदर के अंदर लेके चल जाती है, बीच में अपने प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसमें अपनी अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी आती है और साथ में दो तीन बाईपासेस होते हैं जिसके थ्रू अपना सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। तो अपन उस सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे एक डायग्रामेटिक चार्ट ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फीटल सर्कुलेशन को। देखो, ये हो गया अपना प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा हो गया, यहाँ पर होता है अपना अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अपना अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। इस अम्बिलिकल कॉर्ड से जाती है अपनी क्या, अम्बिलिकल वेन, ये अपनी अम्बिलिकल वेन हो गई। इस अम्बिलिकल वेन के अंदर क्या होता है, अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस टाइप में ये अपनी अम्बिलिकल वेन हो गई। ठीक, ये अम्बिलिकल वेन जाती है अपने लीवर के अंदर, यहाँ पे मिलता है लीवर, इस टाइप में ये लीवर हो गया। ये लीवर हो गया। अब लीवर के अंदर क्या होती है, अपनी पोर्टल वेन्स होती है, इस टाइप में ये पोर्टल वेन जाती है और लीवर के अंदर जाके एक राइट पोर्टल वेन एंड एक लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, इस टाइप में एक ब्रांच दे देती है। ठीक, इस टाइप में ये हो गई अपनी राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन और ये हो गई अपनी लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, ये अपनी पोर्टल वेन है। ठीक, पोर्टल वेन और ये अपनी अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन, जो अपनी अम्बिलिकल वेन है ये अपनी लेफ्ट साइड की ब्रांच अपनी पोर्टल वेन इसके साथ जाके कम्युनिकेट कर लेती है, इस टाइप में ये जाती है इससे और इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है अपने लेफ्ट साइड की ब्रांच अपनी पोर्टल वेन की इसके अंदर चले गया। अब यहाँ से चल जाता है अपने हार्ट के पास। अब हार्ट के पास कैसे जाता है, तो यहाँ पे मिलता है अपना हार्ट, इस टाइप में ये अपना हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया अपना राइट वेंट्रिक और राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम, नीचे तरफ होता है अपना राइट एट्रियम, इधर तरफ अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, इस टाइप में ये हो गया अपना राइट एट्रियम, ये अपना राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम के अंदर क्या होती है, ऊपर की तरफ से तो आती है अपनी सुपीरियर वेना कावा, ये अपनी सुपीरियर वेना कावा हो गई जो अपने हेड नेक ब्रेन एंड अपर लिम से वीनस ब्लड को लेके आती है, और नीचे की तरफ होती है अपनी इन्फीरियर वेना कावा। ये इन्फीरियर वेना कावा क्या करती है, अपने लोअर लिम एब्डोमेन एंड थोरैक्स से वीनस ब्लड को लेके आती है, ये इन्फीरियर वेना कावा के अंदर। ठीक, देखो यहाँ पे अपना ऑक्सीजन ब्लड आ रहा था तो ये अपने सीधे ही लीवर को बाईपास कर जाएगा और ये लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन यहाँ से और सीधे इन्फीरियर वेना कावा के अंदर चल जाएगा अपना ऑक्सीजन ब्लड। ठीक है, इस टाइप में यहाँ पे मिलता है अपना डक्टस विनोसस, ये अपना डक्टस विनोसस हो गया। तो इस डक्टस विनोसस के थ्रू जो अपना ऑक्सीजन ब्लड है वो अपना इन्फीरियर वेना कावा के अंदर चले गया, ये अपना क्या है डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस ये किसे बाईपास कर रहा है, तो यहाँ पर अपना लीवर है, इस लीवर को बाईपास कर रहा है। ठीक है, अपना लीवर के अंदर सर्कुलेशन नहीं होता, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से सीधा ये अपना इन्फीरियर वेना कावा के अंदर चल जाएगा, इसे लेके कौन जा रहा है डक्टस विनोसस, ये अपना इन्फीरियर वेना कावा, ये अपना सुपीरियर वेना कावा, ये बाईपास लीवर। ठीक, ये अपनी डक्टस विनोसस के थ्रू इन्फीरियर वेना कावा के अंदर चलेगा। अब इन्फीरियर वेना कावा से वो अपने राइट एट्रियम के अंदर चलेगा, राइट एट्रियम से उसे जाना चाहिए राइट वेंटिकल के अंदर, लेकिन वो राइट वेंटिकल के अंदर नहीं जाता है, वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर चल जाता है, कौन अपना ऑक्सीजनेट ब्लड, अभी इसके अंदर ऑक्सीजनेट ब्लड ही आ रहा है। ठीक है, अब वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर चलेगा, यहाँ पे क्या मिलता है एक फोरामेन ओवेल मिलता है, ये फोरामेन ओवेल। ठीक, इसके फोरामेन ओवेल के थ्रू और जो अपना ब्लड आया है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल के अंदर, तो ये है अपना फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल। अब फोरामेन ओवेल क्या करता है, देखो ब्लड को जाना चाहिए था राइट वेंटिकल के अंदर, राइट वेंटिकल से अपनी पल्मोनरी आर्टरी वगैरह के पास के थ्रू अपने लंग्स के पास जाना चाहिए, लेकिन अपने लंग्स फंक्शनल नहीं है
तो अपने उस पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक वगैरह का कोई काम नहीं है, मतलब उस सर्किट था जो अपना पल्मोनरी सर्किट था उसे बाईपास कर दिया किसने, फोरामिन ओवल ने, उसने सीधे ही लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड को डाल दिया, वरना अपना ब्लड राइट वेंटिकल के पास आता है, राइट वेंटिकल से अपने लंग्स के पास जाता है, लंग्स से फिर अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, तो वो एक पल्मोनरी सर्किट है उसे बाईपास कर दिया किसने, फोरामिन ओवल ने। ठीक, अब ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल के पास आएगा, लेफ्ट वेंटिकल के अंदर क्या होती है अपनी अवोटा होती है, इस टाइप में ये अवोटा होती है, ये अवोटा से ब्लड गया इस टाइप में, ये होगी अपनी राइट साइड की सब क्लियर आर्टरी, ये होगी अपनी राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी इस टाइप में, ये हो गया लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये हो गया राइट साइड की सब क्लेवन, सॉरी लेफ्ट साइड की सब क्लेवन आर्टरी, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आके ये अपनी थोरेसिक अवोटा, फिर नीचे अपनी एब्डोमिनल अवोटा, ये एब्डोमिनल अवोटा, और ये एब्डोमिनल अवोटा नीचे आके टर्मिनल पार्ट में, ठीक है, टर्मिनल पार्ट ये अपनी राइट कॉमन एरिया काटे, और इधर की तरफ होती है लेफ्ट कॉमन एरिया काटे, राइट कॉमन एंड लेफ्ट कॉमन ये अपनी एक्सटर्नल एरिया, एक्सटर्नल एरिया एंड इंटरनल एरिया को डिवाइड हो जाती है, ठीक इस टाइप में, ये अपनी इंटरनल एक्सटर्नल इस टाइप में, देखो ये हो गई अपनी लेफ्ट साइड की कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक, और ये हो गई अपनी राइट साइड की कॉमन इलियक आर्टरी, ये होगी एक्सटर्नल इलियक, और ये इंटरनल इलेक, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल इस टाइप में, ठीक, और ये हो गई अपनी ब्रेकेसिफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सब क्लेवन आर्टरी, इसने ये राइट सब क्लेवन आर्टरी एंड अपने राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी दिया। अब देखो अपने ये लेफ्ट वेंटिकल के अंदर अपना ऑक्सीजन ब्लड आया, फिर यहाँ से अपनी ये हो गई अपनी असेंडिंग अवोटा, असेंडिंग अवोटा, फिर आर्च ऑफ अवोटा, आर्च ऑफ अवोटा से फिर थोरैक्सिक अवोटा, फिर एब्डोमिनल अवोटा, फिर फाइनली टर्मिनल वाले पार्ट में आ गया, ठीक, टर्मिनल वाले पार्ट से ये अपने लोअर लिम्ब के अंदर जाएगा। अब लोअर लिम्ब के अंदर जाके फिर जो अपनी इंटरनल एरिया है, दोनों साइड की इंटरनल एरिया है, इनसे निकलती अपनी अम्बिलिकल आर्टरी, इससे निकलती अपनी अम्बिलिकल आर्टरी इस टाइप में, ये अपनी राइट इंटरनल एरिया से निकलेगी अपनी राइट साइड की अम्बिलिकल आर्टरी, और ये लेफ्ट साइड की इंटरनल एरिया से निकल देगी लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, ये अम्बिलिकल आर्टरी इस टाइप में जाके और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कनेक्टेड होता है, ये अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर अपना डी ऑक्सीडेंट ब्लड होता है, ठीक इस टाइम में, ये हो गया अपना कौन सा, ये लेफ्ट साइड के, तो ये लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी एंड ये अपनी राइट अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी दो होती है, अम्बिलिकल वेन एक होती है, अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक। तो देखो यहाँ से आया अपना ऑक्सीजनेट ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड इस टाइप में आके ये अपनी अम्बिलिकल वेन के अंदर आया, ये अम्बिलिकल वेन से फिर ये अपनी लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन इसके अंदर चले गया, यहाँ से फिर डक्टस वेनोसस के थ्रू और वो अपनी इन्फीरियर वेना कावा के अंदर चले गया, इन्फीरियर वेना कावा से फिर वो अपने राइट एट्रियम के अंदर आया, राइट एट्रियम से वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल के अंदर, लेफ्ट वेंटिकल से फिर अपनी असेंडिंग अवोटा, आर्च ऑफ अवोटा, यहाँ से जाके फिर थोड़ी सी अवोटा, एब्डोमिनल अवोटा, नीचे की तरफ अपने टर्मिनल वाला पार्ट में आ गए। अब टर्मिनल वाला पार्ट होता है राइट कॉमन एंड लेफ्ट कॉमन में देता है, राइट कॉमन से निकलेगी अपनी कौन सी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ऐसे ही से भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये दोनों साइड की इंटरनल इलियक आर्टरी है, इनसे राइट साइड वाली से निकलेगी राइट अम्बिलिकल आर्टरी और लेफ्ट साइड की इंटरनल इलियक से निकलेगी लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, इसके अंदर होता है अपना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो अपने वापस अम्बिलिकल कॉर्ड से अपने प्लेसेंटा के थ्रू मदर के अंदर चल जाता है, ये होगी अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड और ये होगी अपनी प्लेसेंटा, तो इस टाइप में सर्कुलेशन होता है। अब देखो जब ये सुपीरियर वेना कावा होती है ये तो ऊपर से वीनस ब्लड को लेकर आती है, और इन्फीरियर वेना कावा है ये अपने लोअर लिम्ब, हेड, नेक, सॉरी लोअर लिम्ब, थोरेक्स और एब्डोमेन से वीनस ब्लड को लेकर आती है। अब ये जो वीनस ब्लड को लेकर आ रहा है ये तो इसी के साथ मिलकर और राइट एट्रियम फिर लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल फिर वापस चले गया, लेकिन जो इन्फीरियर वेना कावा से जो वीनस ब्लड आ रहा है ना वो राइट एट्रियम से राइट वेंटिकल के पास जाता है, ठीक है, वो इसके पास नहीं जाता है, वो राइट वेंटिकल के पास जाता है। अब राइट वेंटिकल से क्या जुड़ा होता है, अपना पल्मोनरी ट्रंक जुड़ा होता है, तो इस टाइप में ये हो गया अपना पल्मोनरी ट्रंक,
ये अपना पल्मोनरी ट्रंक हो गया, ये पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। अब ये पल्मोनरी ट्रंक क्या होता है कि राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगी जो अपनी लंग्स के अंदर चल जाएगी। ये होगी अपनी लेफ्ट साइड की पल्मोनरी आर्टरी, अपनी लेफ्ट साइड की पल्मोनरी आर्टरी, और इधर की तरफ होता है अपनी राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। इस टाइप में अभी पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही है, अपने लंग्स के पास, लेकिन लंग्स तो फंक्शन है ही नहीं है, तो यहाँ पर होते अपने लंग्स। ड्रॉ कर देता हूँ इस टाइप में, ये लंग्स, ठीक। ये हो गया अपना राइट साइड का लंग और ये हो गया अपना लेफ्ट साइड का लंग, ठीक। अब यहाँ से अपने ये वीनस ब्लड आया, इसके अंदर चलेगा, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के पास चलेगा। अब लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से और ये अपने लेफ्ट साइड के लंग्स के पास जा रहा होगा, लेकिन अपने लंग्स तो फंक्शनल है ही नहीं है, तो यहाँ से क्या होता है, एक बाईपास मिलता है यहाँ से, इस टाइप एक बाईपास मिलता है जो इस लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को और लेफ्ट साइड की आर्च ऑफ आउटर से कनेक्टेड करता है इस टाइप में। ये हो गया अपना डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। यहाँ से वो आर्च ऑफ आउटर के पास आ जाएगा, आर्च ऑफ आउटर से थोड़ा सा एक एब्डोमिनल टर्मिनल वाला पार्ट, फिर अपनी ये लेफ्ट एंड राइट अम्बिलिकल आर्टरी से, तो इस टाइप में सर्कुलेशन होता है, देखो, ठीक। इस सर्कुलेशन को एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगा। तो प्लेसेंटा फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, यहाँ से अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसने लेफ्ट साइड की जो अपना ये अम्बिलिकल सॉरी पोर्टल वेन है इसमें डाल दिया। अब यहाँ से ये अपना लीवर को बाईपास करता है और सीधे अपने डक्टस वेनस के थ्रू इन्फिया वेना कावा के अंदर चल जाएगा। इन्फिया वेना कावा से फिर वो राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से वो फोरामेन ओवेल के थ्रू राइट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिका, फिर यहाँ से अपनी ये असेंडिंग आओटा, आर्च ऑफ आओटा, डिसेंडिंग आओटा, ठीक। ये ऊपर अपने अपर लिम को सप्लाई कर देगी, ये राइट साइड के को, ये लेफ्ट साइड के को, और ये हेड एंड नेक को सप्लाई कर देगी, मतलब कॉमन कैरेटेड आर्टरी, ठीक है। फिर ये थोड़ी सी का ओटा थोरैक्स को सप्लाई कर देगी, एब्डोमिन आउटर एब्डोमिन को, नीचे तो भी हमने लोअर लिम को सप्लाई कर देंगे, ठीक। फिर अपने इंटरनल एरिया का, राइट साइड की इंटरनल एंड लेफ्ट साइड की इंटरनल, इनसे निकलती है अपनी अम्बिलिकल आर्टरी, लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, राइट साइड से राइट अम्बिलिकल आर्टरी। ये अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड फिर प्लेसेंटा के पास वापस से चल जाता है। एक तो हो गया ये, और दूसरा क्या होता है कि ये लेके आता है नीचे से वीनस ब्लड और ये लेके आता है ऊपर से वीनस ब्लड, ठीक है। ये वीनस ब्लड को लेकर आया, इसने राइट वेंटिकल के अंदर डाल दिया। अब राइट वेंटिकल से फिर ये हो गया अपने पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी, ये अपना पल्मोनरी ट्रंक के अंदर डाल दिया। फिर ये पल्मोनरी ट्रंक से और ये गई अपने किसके पास, ये है अपनी लेफ्ट साइड की पल्मोनरी आर्टरी, ये अपनी राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी, ये लंग्स के पास लेके जाती है, लेकिन अपने लंग्स हैं वो तो फंक्शनल है ही नहीं है, वो तो बर्थ के बाद फंक्शनल होते हैं ना, तो यहाँ से आया। फिर ये है अपने डक्टस आर्टरियोसस, इस डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू ये अपनी आर्च ऑफ आउटर से कनेक्टेड होता है, यहाँ से आया और वो सीधा इसके अंदर इसको डाल दिया वीनस ब्लड को, ये अपना डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है। तो इस टाइप में ये सर्कुलेशन होता है इसके अंदर। अब ये फ्लो चार्ट देखो, तो अपने प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से आया अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, अपनी अम्बिलिकल वेन से, अम्बिलिकल वेन के पास आया, अम्बिलिकल वेन से फिर वो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के पास आया, ठीक। फिर यहाँ से अपने डक्टस वेनस के थ्रू और आईवीसी के अंदर चले गया, आईवीसी से अपने राइट एट्रियम के अंदर आया, राइट एट्रियम से वो फिर वो फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग आओर्टा, आर्च ऑफ आउटर एंड डिसेंडिंग आउटर के पास चले गया। फिर फाइनली अपने थोरेसिक आउटर, एब्डोमिनल आउटर एंड अपनी कॉमन इलियक आर्टरी के पास आया, कॉमन इलियक आर्टरी से अपनी इंटरनल इलियक आर्टरी के पास चले गया, ठीक है। मतलब कॉमन इलियक आर्टरी एक्सटर्नल इंटरनल में डिवाइड हो गई, फिर इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या ओरिजिनेट होती है, अपनी अम्बिलिकल आर्टरी, राइट साइड वाले से राइट एंड लेफ्ट साइड से लेफ्ट, अब इनसे जा रहा है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस प्लेसेंटा के पास, तो इस टाइप का अपना सर्कुलेशन होता है, ठीक। अब एक तो ये होगा, और देखो जब ये इन्फीरियर वेना कावा होती है ये क्या लेके आती है, ये वीनस ब्लड को लेके आती है कहाँ से, लोअर लिम एब्डोमेन एंड थोरेक्स से, और जब अपनी सुपीरियर वेना कावा होती है ये वीनस ब्लड को लेके आती है हेड नेक ब्रेन एंड अपर लिम का अंदर, तो जो इन्फीरियर वेना कावा लेके आती है वो तो अपने सीधे इसी के साथ चल के राइट एट्रियम फिर लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे चल जाता है वो इन्फीरियर वेना कावा वाला, तो और सुपीरियर वेना कावा ऊपर से लेके आती है फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर डालती है, ठीक है। फिर तरह से पल्मोनरी ट्रंक पे जाता है, तो ये वही है, तो ये लेके आया वीनस ब्लड को कहाँ से, हेड नेक ब्रेन एंड अपर लिम से, इसने डाला सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक,
फिर ये अपनी पल्मरी ट्रंक या पल्मरी आर्टरी में डिवाइड हो गया, तो लेफ्ट साइड की पल्मरी आर्टरी के पास गया, लेफ्ट साइड की पल्मरी आर्टरी डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू और अपने आर्च ऑफ ऑर्टा से कनेक्टेड होती है, देखिए ठीक है, ये डक्टस आर्टेरियोसस इससे कनेक्टेड है। तो इस टाइप का अपना ये फीटल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अपनी पीडीसी के अंदर आपको ये चार्ट मिलेगा, ये वाला जो मैंने आपको समझा दिया है इस डायग्राम की हेल्प से। तो अपना फीटल सर्कुलेशन हो गया। अब देखो जो बेबी का बर्थ होता है, तो बेबी के बर्थ के बाद ना ही अपनी अम्बिलिकल वेन रहती है, ना ही अपनी डक्टस वेनोसस होती है, ना ही अपनी फोरामेन ओवेन मिलती है, ना ही आपको डक्टस आर्टेरियोसस मिलती है और ना ही आपको ये अम्बिलिकल आर्टेरिया ये मिलती है। तो बर्थ के बाद क्या हो जाता है इनका, तो ये जो है अम्बिलिकल वेन वगैरह ये लिगामेंट का फॉर्मेशन कर देती है। अब कौन सी चीज क्या किसका फॉर्मेशन करती है वो देखते हैं। तो जो अपनी अम्बिलिकल वेन है ये अपनी अम्बिलिकल वेन ये बना लेती है लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। अम्बिलिकल वेन क्या बना लेती है, लिगामेंटम टेरिस। डक्टस वेनोसस है ये अपने डक्टस वेनोसस है ये बना लेता है अपना लिगामेंटम वेनोसम। और फोरामेन ओवल है ये फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है। और डक्टस आर्टेरियोसस ये डक्टस आर्टेरियोसस ये बना लेता है लिगामेंटम आर्टेरियोसस। और जो अपना अम्बिलिकल आर्टेरिया है अम्बिलिकल आर्टेरिया बना लेती है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक। तो इस टाइप में ये अपने बर्थ के बाद के चेंजेज हैं कि अपनी अम्बिलिकल वेन है ये लिगामेंटम टेरिस, डक्टस वेनोसस है लिगामेंटम वेनोसम, फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है, डक्टस आर्टेरियोसस ये लिगामेंटम आर्टेरियोसस एंड अम्बिलिकल आर्टेरिया ये अपने मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बना लेती है। तो ये अपना फीटल सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। तो इतना ही है इस फीटल सर्कुलेशन में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो, थैंक यू। अगर आपको इसके नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। थैंक यू।